देश की जांच एजेंसियों के लिए आज का दिन बेहद शर्मनाक है। करीब 9.5 साल पहले दिल्ली से सटे नोएडा में 14 साल की एक लड़की की हत्या पूरे देश के लिए सुर्खियां बन गई। हर तरफ एक ही सवाल था कि आरुषि और उसके परिवार के नौकर हेमराज की हत्या किसने की। कई साल तक इस डबल मर्डर केस की छानबीन होती रही। यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने जांच की और एक नहीं सीबीआई की दो दो अलग टीमों ने जांच की। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर करीब 4 साल पहले विशेष सीबीआई अदालत ने इस डबल मर्डर के लिए आरुषि के मम्मी पापा को दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन आज एक बार फिर इस केस में बड़ा मोड़ आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद आरुषि के मम्मी पापा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ये केस हमारे देश के सिस्टम पर अब सवाल खड़ा करता है। छानबीन से लेकर फैसले तक जो जांच एजेंसियां अपनी छानबीन को लेकर इतराती हैं, जिन पर देश के लोगों को भरोसा है, वो एक डबल मिस्ट्री की या डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा तक नहीं पाए। आरुषि केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये देश के लिए सवाल है कि क्या वो एक मासूम को कभी इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाएगा। सीबीआई और पुलिस ने इस केस का जो हश्र किया वो देश के लोगों का भरोसा तोड़ने वाला है। लोग किसी भी मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हैं, जब कुछ नहीं सुलझता है तो सीबीआई की बात करते हैं। अभी हाल ही में गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में जब प्रद्युम्न का मर्डर हुआ तो उसके पिता ने भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। लेकिन आरुषि मर्डर केस का हाल जानकर शायद ऐसे लोगों का भरोसा देश की इन एजेंसियों से उठ जाएगा। आरुषि और हेमराज को इंसाफ के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? आरुषि की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जांच एजेंसियां नाकाम क्यों रही है और क्या आरुषि हेमराज की मर्डर मिस्ट्री अब लगता है कभी सुलझ भी पाएगी या नहीं? क्या आरुषि का गुनाहगार देश का ये सिस्टम नहीं है? और सवाल तो ये भी कि बेटी के मर्डर के आरोप में क्या आरुषि के माता पिता को फंसाया गया था? इन सारे सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ रिबेका जॉन, जो कि तलवार दंपत्ति की वकील हैं, वो इस केस में शुरुआत से तलवार दंपत्ति की वकील रही हैं, जुड़ जाएंगी कुछ ही देर में। मनोज सिसोदिया साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। निचली अदालत में यानी जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसमें तलवार दंपत्ति के वकील रहे, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेश यादव साहब इस केस में बरी हुए राजकुमार के वकील हैं। राजकुमार तलवार दंपत्ति के क्लिनिक में कंपाउंडर था, आपको याद दिला दूं, उसे कातिल बताकर गिरफ्तार भी किया गया था। आपका भी स्वागत है सर। नरेश यादव साहब, टीएन डोगरा साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि एम्स के पूर्व निदेशक हैं। इस केस में हुई फोरेंसिक जांच में वो शामिल थे, उनको फोरेंसिक डिटेल की पूरी नॉलेज है इस केस से जुड़ी हुई। और केटीएस तुलसी साहब सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, और इस केस में कहां कुछ खामियां थी, क्या आगे कभी पता लग पाएगा, कहां फेल रहे हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है, वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और इस केस की बारीकियों से भी रूबरू हुई हैं, वाबस्ता हुई हैं। मैम आपका भी स्वागत है। इलाहाबाद से संवाददाता विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं डिबेट शुरू करूँ, उससे पहले विशाल आपके पास आना चाहूँगी, आपके साथ कुछ वकील भी मौजूद हैं, अब इस केस को लेकर क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए रूबिका, 2:45 पे यहाँ जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद लगभग 5 से 6 मिनट बाद ये खबर सामने आती है कि तलवार दंपत्ति को बरी किया जाता है। जो निचली अदालत का विशेष अदालत जो सीबीआई की थी उसका जो फैसला था उसे रद्द कर दिया जाता है और तलवार दंपत्ति की अपील को मंजूर कर लिया जाता है, जो कि तलवार दंपत्ति के लिए बड़ी राहत थी। उसके बाद जब तलवार दंपत्ति के जो वकील थे यहाँ पर तनवीर मीर, वो बाहर निकले जी न्यूज से बातचीत में, वो कहते हैं कि कैसे जो एविडेंस पेश किए गए उसमें जो कड़िया थी उसमें बहुत ज्यादा गैप था, इसको लेकर अदालत की टिप्पणी आई, ये ऑब्जर्वेशन था। इसके अलावा ये कहा गया तनवीर मीर की तरफ से कि सिर्फ घर में मौजूदगी तलवार दंपत्ति की ये साबित नहीं करती है कि वही उन्होंने ही हत्या की है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कुछ वकील मौजूद है जो कि इस कार्रवाई को पूरा देख रहे थे, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। हम जितेंद्र झा जी से बात करते हैं कि आखिर जितेंद्र ओझा जी से कि क्या कुछ ऑब्जर्वेशन रहा था। जितेंद्र जी, अदालत का ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब बरी किया गया तलवार दंपत्ति को? अदालत ने विशेष अदालत के जो उन्होंने साक्ष्य पेश किए, सीबीआई अदालत ने पेश किया था कोर्ट में, उसको मानने से इनकार कर दिया, उससे सहमत नहीं हुए हैं और इसी आधार पर उनकी अपील को उन्होंने अलाउ किया है।
आगे क्या होगा इसके आगे, जो आपने कुछ अभी देखा ऑब्जर्वेशन, और भी लोगों से आपकी बातचीत हुई, कोर्ट रूम में मौजूद थे? आगे तो अपने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने जहाँ तक ये आ रहा, कोर्ट ने ये कह दिया उनसे कि इस केस की दोबारा इंक्वायरी वो करें, दोबारा जांच करें, और उनको कल तक में छोड़ दिया जाएगा, जल्द से जल्द रिहा करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो आदेश आज तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनाएगा जिस तरह से इसमें सुनवाई की गई है इसको, इस केस के लिए, और टोटली उन्होंने डिसबिलीव किया है उनके एविडेंस से, निचली अदालत जो पेश किया गया सीबीआई की तरफ से उस पर टोटली डिसबिलीव किया है कोर्ट ने। देखिए, जो साक्ष्य पेश किए गए थे सीबीआई की तरफ से, इसको अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, ऐसा जितेंद्र ओझा का कहना है जो कि यहाँ पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। और इसके अलावा जो वकील थे उन्होंने भी जी न्यूज से बातचीत में साफ तौर पर बताया है कि सिर्फ अंदर मौजूदगी में, घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उस आधार पर आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि उन्होंने ही हत्या की है। तो ये कई बड़ी चीजें निकल कर, उसके अलावा संदेह का लाभ भी तलवार दंपत्ति को यहाँ पर मिला है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया सारे वकीलों से, खासकर जो पूरे के पूरे प्रोसीडिंग के वक्त वहां पर मौजूद थे, उनका वक्तव्य हम तक पहुंचाने के लिए। टीएन डोगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैंने आपको बताया कि उस वक्त वो फोरेंसिक टीम के हेड थे एम्स की, और उस वक्त डायरेक्टर भी थे। टीएन डोगरा साहब, आपकी जो फाइंडिंग्स थी, मुझे याद है जब आपका बयान वहां पर चला था उसमें आपने ये क्लियर कहा था कि आपको लगता है कि मां बाप कातिल नहीं, ये फाइंडिंग्स बताती। आज तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसके ऊपर मुहर लगा दी है। क्या शुरू करें? जी जी, हाँ जी, हेलो। हाँ डोगरा साहब, आपकी आवाज हम सब सुन पा रहे हैं, आपकी उन फाइंडिंग्स के बारे में हम जानना चाहेंगे जिसमें आपने पहले ही कह दिया था कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा। ऐसे कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिसमें आप आरुषि के माँ बाप को हत्यारा या मर्डरर कह दें। जी हाँ, इस तरह का जो मैं पहली टीम का मेंबर था, जो पहली टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके हम फॉरेंसिक साइट से उसको देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने यही बताया था कि भाई उनके अगेंस्ट में कोई हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा, और साथ में कुछ बाहर से किसी के आने की पूरी संभावना है, और उसके लिए जो साक्ष्य थे वो सब प्राप्त वहाँ उनको बताए गए थे। और लेकिन कुछ समय बाद हमारी टीम को चेंज कर दिया गया, तो उसके बाद हमें मालूम नहीं कि उसमें क्या क्या हुआ, लेकिन हम लोगों ने जरूर उनको बताया था कि इस तरह से बाहर से किसी के आने की संभावना पूरी है, और किसी बाहर के आदमी का ही इसमें हाथ है, घर के अंदर से नहीं है। इस तरह का बाहर के आने की जो संभावना है तो नेचुरली उसी व्यक्ति पर सबसे पहले शक जाना चाहिए। इस तरह का सबका जो पहली टीम थी फॉरेंसिक साइंस की और मेडिसिन की जो टीम थी, उन सबका एक विचार था। मनोज सिसोदिया साहब भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो लोअर कोर्ट में बकायदा रिप्रेजेंट कर रहे थे। मनोज साहब, मुझे ये बताइए कि जो लोअर कोर्ट ने कहा वो 26 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको हाजिर नाजिर रखते हुए बकायदा जो है सजा सुना दी गई थी, उसको पूरी तरीके से उलट कर दिया गया, कहाँ खामी रह गई थी जो अब कोर्ट को यहाँ नजर आई? देखिए, सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की थी, सीबीआई ने खुद माना था कि इस केस में किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, तो तलवार दंपत्ति के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया गया, और उसमें यह कहा गया कि हम निर्दोष हैं, हमें पहले से ही पता है, परंतु क्योंकि हमारी बेटी की हत्या हुई है तो अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट के सामने रखी गई, कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट करके और ट्रायल को फेस करने के लिए तलवार दंपत्ति को समन कर लिया, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस प्रोड्यूस की गई सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के द्वारा जो भी एविडेंस दी गई थी, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस हो या वो ओरल एविडेंस हो, किसी भी एविडेंस से ये प्रूव नहीं हो पा रहा था कि तलवार दंपत्ति का इस हत्या में किसी भी तरीके का कोई हाथ है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा गलत तरीके से फैक्ट्स को एनालाइज करके, गलत तरीके से एविडेंस को इंटरप्रेट करके ये जो लोअर कोर्ट से सजा सुनाई गई थी वो गलत थी। हमारा मानना पहले भी था कि ये नो एविडेंस केस है, इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, परंतु कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कोई भी लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था। कोई जो सीबीआई की थ्योरी थी कि दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा राजेश तलवार के द्वारा, और उन्होंने वहां दोनों की हत्या कर दी।
अगर ये पॉसिबल था कि दोनों की हत्या कर दी गई तो वो बेडशीट जिस पर आरोसी की डेड बॉडी पाई गई, वो बेड, वो कमरा, वहाँ से हेमराज का ना तो कोई ब्लड मिला ना वहाँ से कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ, मीनिंग देयर वाइज कि हेमराज की प्रेजेंस वहाँ नहीं थी जहाँ आरोसी की हत्या हुई है। तो सीबीआई की ये थ्योरी अपने आप में डेमोलिश हो जाती है, परंतु लोअर कोर्ट ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कि दोनों को इस सिचुएशन में देखने के बाद राजेश तलवार ने उसकी हत्या कर दी और नूपुर तलवार ने उसको एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प की है। ठीक है सर, तो मैं इसको आगे अब आपसे और समझूंगी, लेकिन मोनिका जी जब ये इस 9.5 साल हो गए हैं, 9,500 एंगल्स हमने जो है इसमें इस्तेमाल कर लिए होंगे, अनेकों अनेक जांच एजेंसियां जो हैं साहब आ गई, सबने तफ्तीश कर ली, लेकिन ना मोटिव पता चल पाया, ना आला कत्ल के बारे में पता चल पाया। अरे साहब हम तो ये भी पता नहीं कर पाए कि पहले हेमराज मरा या फिर आरुषि को मारा गया। ये हम किस सिस्टम में जी रहे हैं, किसकी गड़बड़ी है कि हमें अब तक पता नहीं चल पाया कि आरुषि का कातिल कौन है और ना आगे शायद पता चल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रुबिया, इसमें मैं ये कहूंगी कि न्याय कहाँ है ये भी देखना पड़ेगा। पहले पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पाया गया, आरुषि को भी और हेमराज को भी। इसका अर्थ है निडल ऑफ सस्पिशन जाती है पिता के ऊपर, राजेश तलवार के ऊपर। उसके बाद बहुत ह्यूमन क्राइम मचा तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई। सीबीआई का जो पहली टीम थी अरुण कुमार जी के नेतृत्व वाली, वो कहते हैं कि नहीं, कंपाउंडर जो है कृष्णा और जो बाकी दो नेबरिंग सर्वेंट्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं इनकी और सस्पिशन जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल की जाती, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर तीसरी एक टीम बनती है, यानी पुलिस के बाद पहली सीबीआई की टीम, फिर सीबीआई की दूसरी टीम। वो टीम कहती है कि नहीं नहीं, हत्या तो राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने ही की है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि आप ट्रायल पर लेके जाइए। ट्रायल कोर्ट इसमें 26 सर्कमस्टेंसेस की लिस्ट बनाती है और कहती है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन ये 26 सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि केवल और केवल इन्होंने हत्या की है, क्योंकि यही आखिरी बार डिसीज के साथ थे, मृतक के साथ थे, यही अंदर थे, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। अब वो पूरी थ्योरी डिमोलिश कर देती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यही लोग अंदर थे जो हत्या कर सकते थे। हाई कोर्ट कहती है लोग बाहर से भी आ सकते थे और बाहर जा भी सकते थे, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि असलियत क्या है, कोई भी ना पुलिस ना सीबीआई इसमें ठीक से इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाई है। बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है, शॉबी इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए कोर्ट ने कहा है इसको आगे और इन्वेस्टिगेट करो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, और कहीं ना कहीं एक एक कंक्लूजन पर पहुंचो। वेरी ट्रू मोनिका जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सवाल यही है ना सर, सवाल यही है ना, केटीएस तुलसी में आपको अब इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ डिस्कशन में, बेसिकली अगर मैं एक लाइन में सर ये कहूँ, हालांकि ये लाइटर मोड में हो सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है आज की तारीख में, तो ये लग रहा है नो वन एक्चुअली किल्ड आरुषि। नो, ये नहीं लग रहा है, वो तो मरे तो हैं दो, किस तरह से मरे, किसने मारे, इसके बारे में शक है। हाई कोर्ट का फैसला यही है कि हमें शक है, हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है इनको। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप क्या समझते हैं सीबीआई के पास या पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है। एक मर्डर हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है जो पहले हो चुका है, जिसको अभी वो देख नहीं सकते, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, कभी संभव है कभी संभव नहीं है। उनको खुद शक था कि शायद ये दोषी नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। अदालत ने सोचा कि नहीं,
रीजनेबल सस्पेशन है, नीडल ऑफ सस्पेशन जाती है, इसलिए ट्रायल फेस करनी चाहिए। ट्रायल फेस करके अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि ये दोषी हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला ये है कि भाई इसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। मैं नहीं समझता कि ये हमारे सिस्टम की ग्रेटनेस है, ये वीकनेस नहीं है। ये सीबीआई ने भी जल्दबाजी में कोई उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो कुछ उनको मिला वो उन्होंने अदालत के सामने रख दिया और ये कहा कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसको क्लोज कर दिया जाए। और अगर अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको ट्रायल किया तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इसीलिए अपील का सिस्टम है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है, ताकि अगर एक जज से गलती हो जाए तो दूसरा उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसीलिए तुलसी साहब, लेकिन यहाँ पर फिर मैं डे वन पे जा रही हूँ तुलसी साहब। 16 मई 2008, आप देखिए 16 मई को जब ये बॉडी पाई जाती है, पुलिस कहीं और नहीं जाती, कुछ और नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी आप देखिए, किसको क्वेश्चन करना है, किसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यहाँ बैठकर इन चीज़ों पर सिर्फ सवाल जवाब कर सकते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोई कंक्लूजन अब तक निकाल नहीं पाए हम। और इसीलिए जितेंद्र मैं आपको लाऊंगी, क्योंकि आप 2008 से इस पूरे केस को बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं, कहां कहां इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की खामियां रही, पुलिस की खामी रही, और एक के बाद दूसरे हाथ में ये केस जाता रहा। देखिए रूबिका, अगर 2008 से लेकर के इस केस की अब तक बात करें तो जो शुरुआती जो जांच थी, जो शुरुआती तफ्तीश थी, वहीं से इसके अंदर कमियां होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जिस दिन इस बात की सूचना नोएडा पुलिस को मिली थी कि जलवायु विहार के अंदर एक हत्या हो गई है, जब यहां पर टीम पहुंची थी तो महेश मिश्रा जो कि उस समय एसपी सिटी हुआ करते थे वो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन जो शुरुआती जो तफ्तीश होती है, जो क्राइम सीन को लेकर के इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसमें पूरी तरह से कामयाब रखी गई। जो प्रोफेशनल वे होता है, एविडेंस जुटाने होते हैं या फिर चीज़ को वहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सके, उसमें लापरवाही बरती गई थी। सबसे पहले आते ही राजेश तलवार ने महेश मिश्रा जो कि उस समय एसपी सिटी थे, उनको आते ही सीधा ये कहा कि हेमराज जो कि उनका नौकर है वो घर से गायब है, वो हत्या करके भाग गया है। और उसके बाद जो पूरी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन थी, बिना सीन ऑफ क्राइम को जांच किए या कॉर्डन ऑफ किए, उस एरिया को सील किए हुए, सीधे हेमराज को ढूंढने के लिए टीम लग जाती है, ये सबसे बड़ी कमी थी। और उसके बाद जैसे जैसे आगे जांच शुरू की गई तो पता लगा कि वहां पे सारी जो काफी सारी कमियां हैं उनको दुरुस्त नहीं किया गया था। जो पहला शक पैदा हुआ था नोएडा पुलिस को, जिसके बिना पर राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि अगले दिन जब के गौतम जो कि रिटायर्ड डीएसपी थे नोएडा पुलिस के, वो वहां पर आते हैं, वो एक जो ट्रेल जो जा रही है छत के ऊपर उसकी तरफ इशारा करते हैं और उसके बाद तोड़ करके जब ऊपर छत पर देखा जाता है वहां पर हेमराज की लाश मिलती है। जब वापस बुलाया जाता है राजेश तलवार को, क्योंकि वो हरिद्वार की तरफ निकल चुके होते हैं अपनी बेटी की लाश की अस्थियों को बहाने के लिए, तो वो पहचानने से इनकार देते हैं। तो ये एक पहला शक था नोएडा पुलिस को, जिसके बाद शक के दायरे में उनको लिया गया। और जब, क्योंकि राजेश तलवार अपने वकील से कंसल्ट करते हैं कि नोएडा पुलिस जो है उनको लगातार शक के घेरे में ले रही है, तो उसी बिना पर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पहली लापरवाही थी कि बिना सबूत इकट्ठे किए हुए आपने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आनंद फानंद में जांच सीबीआई के पास जाती है, जो पहली टीम जांच कर रही होती है उनकी जो दिशा होती है वो नौकरों की तरफ होती है। नाको टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसमें लगता है कि एविडेंस आ गए हैं, सारे जो एक्यूज हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सबूत नहीं मिलते हैं। उसी दौरान दोबारा से जांच एजेंसी बदल दी जाती है, जो सीबीआई की जो टीम है उसमें उससे लेकर के दूसरी टीम को दे दिया जाता है। रोक रही हूं क्योंकि रिबेका जॉन जो तलवार दंपति की शुरू से ही रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, वकालत करती रही हैं उनके केस को, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिबेका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। लेकिन सच में आज देश ये जानना चाहेगा रिबेका, वो कौन कौन सी दलीलें थी जिसके आधार पर आज इस कपल को बरी कर दिया गया है।
देखिए, दैट इज़ अ प्रेमेच्योर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी तक जजमेंट नहीं पढ़ा है. सो आई डोंट नो किस बेसिस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है. लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इस केस की बहस कोई 3 महीने चली इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहाँ पे हमारे 2 वकील मिस्टर तनवीर अहमद मीर और मिस्टर दिलीप कुमार ने बहस किया, और कोर्ट ने हर एस्पेक्ट को बहुत ही बारीकी से एग्जामिन किया. जो भी एविडेंस सीबीआई इस केस में लाए थे उसको इट वाज़ एग्जामिन्ड थ्रेडबेयर, और उसी के बाद आज जजमेंट आया है. तो मेरा ये मानना है कि जो अदालत है, डिवीजन बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो ये बात को मान के चली कि जो एविडेंस सीबीआई ने पेश किया था वो एविडेंस बिल्कुल क्रेडिबल एविडेंस नहीं था, और उसी लिए आज नुपुर और राजेश तलवार को अक्विट किया गया है. रिबेका, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई कभी जान पाएंगे कि आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है? क्या इसके लिए आज की तारीख में हम सिस्टम को दोष ना दें जो सही तरीके से खोज ही नहीं पाए कि कौन है कातिल? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा. देखिए, इन्वेस्टिगेशन का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस का है. प्राइवेट सिटीजन्स कभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, चाहे वो माँ बाप हो या हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो. प्राइवेट सिटीजन्स का काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना. हमारे देश में अब ये हाल है, हर चीज़ के लिए प्राइवेट सिटीजन्स जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पीछे ना पड़े और जब तक वो अटेंशन ना लाएं अपने केस पे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं होता. तो ये दिस इज़ अ रियली सैड रिफ्लेक्शन ऑन हाउ द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स केसेस. हर क्रिमिनल केस में, खास तौर पे एक मर्डर केस में, पहले 24 या 48 घंटे में सबसे इम्पॉर्टेंट सबूत लिए जाते हैं. इस केस में क्या हुआ, पहले 24 घंटे और 48 घंटे तक तो पूरी दुनिया को क्राइम सीन पे ट्रैम्पल करने का आदेश दिया गया. जो मर्जी लोग घर के अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, जो भी सबूत थे उसको टच कर रहे थे. तो ऐसे माहौल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कहीं से फिंगरप्रिंट्स रिकवर होंगे या और किसी किस्म के एविडेंस रिकवर हो सकता है. ये बात माननी होगी, दोनों क्राइम्स, जो दोनों लोगों की हत्या हुई थी वो उस घर में हुई थी या टेरेस में हुई थी, तो उस विसिनिटी में सबसे ज़्यादा क्लूज अवेलेबल था. उसके बावजूद अगर पुलिस उसको ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाई तो इसका दोष किसको हम दें? आज सिर्फ पुलिस को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते. रिबेका, मैं ये बात जुड़ता मेरा ये सवाल कि जब तक सीबीआई इस केस में आई, आई एम गोइंग अ स्टेप फर्दर, और हो सकता है ये सवाल जो है आज की तारीख में जो ये इंटरव्यू अभी देख रहे हैं वो भी उठा रहे हों. कुल मिलाकर इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने पूरे केस का ही कत्ल कर दिया. 9 साल मैम कम नहीं होते हैं. 9 साल में आपने सबूतों को तो पहले दिन ही आपने ख़त्म कर दिया था. आपने टाइम वेस्ट किया, आपने रिसोर्सेज वेस्ट किए, आपने उन माँ बाप को, अगर वो दोषी नहीं है तो जेल में भेज दिया. बदनामी हुई वो अलग. क्या इन लोगों के खिलाफ भी अब कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये देश के साथ मजाक है. देखिए, जहाँ तक नूपुर और राजेश का सवाल है, मैं इतना बता दूंगी कि वो थक गए हैं. 10 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, उसमें से 5 साल तो वो जेल में रहे हैं. मेरी बात उनसे हुई नहीं है, वो शायद कल निकल आएंगे, मुझे नहीं पता उनके आगे का क्या स्ट्रैटेजी है. लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है. एज अ मीडिया हाउस यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉच अप, एंड सम अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स. ये केस आफ्टर केस में हम देखते हैं कि आप कभी भी ठीक तरह से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते. आप प्रोजेक्शन तो करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ एविडेंस है, आप मीडिया को स्टोरीज रिलीज करते हैं, उस बेसिस पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है. लेकिन जब एक कोर्ट इसको बारीकी से देखता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा है, तो उसमें कुछ नहीं निकलता. तो इन अ सेंस दिस इज़ अ फ्रॉड प्लेड ऑन द नेशन, एंड रियली इट इज़ टाइम दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज एक्शंस. एंड अनलेस समबडी
pays with his job, I don't think any difference will be made in the manner in which investigations are conducted in our country. Exactly, to the point. Rebecca, अब जो सवाल आता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है. आप कह रहे हैं कि अभी ऑपरेटिव पार्ट भी पढ़ के सुनाया है आपने, वो पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो आप तैयार हैं उस लड़ाई के लिए? आपने कहा माँ बाप तो थक चुके हैं. वो थक चुके हैं, हम नहीं थके हैं, हम तैयार हैं. रेबेका, ये जर्नी आपकी कैसे थी? मैं आप थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूं. दिस इज समथिंग दैट वी विल, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी थी, क्योंकि देखिए देयर वाज, लोग मेरे से हमेशा ये पूछते हैं कि इस केस में ऐसा क्या था कि आप इस तरीके से जुड़ गए इस केस से. कुछ नहीं था. दो लोग बहुत ही हेल्पलेस तरीके से मेरे पास शुरू में आए थे. उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लोग उनके बारे में क्यों बातचीत, और ऑल काइंड्स ऑफ सैलेशियस गॉसिप वाज बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट देम. उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था. उनकी छोटी सी बच्ची का कत्ल हुआ था, साथ साथ उनके साथ जो एक एक डोमेस्टिक हेल्प था उनका भी कत्ल हुआ था. इतना बड़ा हादसे के बाद they were confused, they were helpless, and I was able to relate to their pain, that's all, you know. जब ये मेरे पास आए थे, मेरे पास कोई preconceived notion नहीं था कि वो guilty थे, innocent थे. I looked at it like I examine any other case. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं evidence को देखती गई और जैसे जैसे मैं उनसे सवाल पूछती गई और जिस honesty से वो उन सवालों का जवाब देते गए, I had no doubt in my mind that they were the victims of a witch hunt. And that is the reason why I have been part of this journey for the last 10 years. All the best, Rebecca. लेकिन जाते जाते please ये सवाल ज़रूर आप answer कर जाइए, चाहे एक line में ही. Will we ever know who killed Arushi and Hemraj? You know, nobody would want to know that more than Nupur and Rajesh Talwar. Believe me, this acquittal is tempered with sadness because that answer has not been given to them. Any parent would want to know who killed their child, anybody. So you know, main aapko ek cheez batati hu is stage pe before I go off the air. जब 2010 में सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल की थी सीबीआई के अदालत में, तब राजेश तलवार ने एक 100 पेज की प्रोटेस्ट पिटिशन लिखी थी, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इस तरीके के आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये गलत है, आई एम कंटेस्टिंग इट. और उन्होंने लिटरली भीख मांगा था कि जो इस केस के एग्जिबिट्स हैं, आपको याद होगा टेरेस में एक ब्लडी पाम प्रिंट था, कुछ फुटप्रिंट्स थे जिसपे ब्लड मार्क्स थे, उन्होंने ये प्रे किया था ये सारे एग्जिबिट्स को एक फॉरेन लेबोरेटरी में भेजे जाए जहाँ पे टच डीएनए टेस्ट लिया जाए और उस टच डीएनए टेस्ट से ये पता चलेगा कि किसने ये क्राइम कमिट किया था. सीबीआई ने ये बात सुनी नहीं. अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल कोर्ट था उसने भी इस बात को बिल्कुल ही ब्रश असाइड कर दिया. जहाँ तक इनका सवाल है, यू नो, देयर इज दिस मच प्राइवेट सिटीजंस कैन डू. Beyond that, they don't have the resources or the means to take it forward. They are not investigating officers. Okay. They don't know. They can only say these are the clues. Do this, do that. शायद इसीलिए राजेश तलवार मुझे हमेशा कहते थे कि अगर मैं किसी दिन बरी हुआ तो मैं यही कोशिश करूँगा कि in India I'll try and set up a forensic laboratory of international quality because what has happened to me should not happen to anyone else. Thanks. I hope that one day that dream of his will come true. ठीक है, थैंक्स अ लॉट रिबेका हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये थी रिबेका जॉन. जो सबसे महत्वपूर्ण बात रिबेका ने कही है वो यही की है कि इस केस को जिसने मार दिया है वो कोई और नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जो कंक्लूजन पर लेकर नहीं जा पाए. केटीएस तुलसी साहब भी हमारे साथ बहुत कम वक्त के लिए. मैं सारे पैनलिस्ट से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि रिबेका जॉन हमारे साथ जुड़ी थी. हम चाहते थे कि देश एक बार उनको सुन ले क्योंकि डायरेक्ट उनके साथ जो है कनेक्शन तलवार दंपत्ति का रहा है. केटीएस तुलसी साहब, वही बात जो हम शुरू से कह रहे थे और वही बात आज रिबेका जॉन भी कहती हुई नजर आई. आप कहेंगे अभी भी कि नहीं, ये हमारी एजेंसीज का बड़प्पन है कि हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना मुनासिब समझा? बड़प्पन है या नहीं,
ये कोई नहीं जानता। सच क्या है ये आज भी मिस्ट्री है और आगे भी मिस्ट्री रहेगा, क्योंकि अगर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की गई तो पुलिस कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएगी। और छेड़खानी आखिर बरसाती जहां पे छत पे हेमराज की लाश पड़ी थी वो अंदर से लॉक कैसे हो गया, उसकी चाबी क्यों नहीं मिली? पुलिस वाले पूछते रहे, इन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम हेमराज को जाके ढूंढो, और हेमराज की लाश जो है वो छत पे पड़ी है। इस केस में बहुत बहुत पेचीदगियाँ हैं। और क्या सच क्या है, अगर किसी ने भी छेड़खानी की है तो कभी सच पे सच जो है सामने नहीं आएगा। मनोज सिसोदिया साहब जी, जो बात केटीएस तुलसी कह रहे हैं कि माँ बाप ही हैं जिन्होंने ये कहा कि शुरुआत में तो उनके ऊपर भी आरोप लगे ना कि आपने ही बरगलाने की कोशिश की है, आप ही ने कहा पुलिस को कि जाइए ढूंढिए यही है कातिल। बहुत सारी वो पेचीदगियां हैं जो अब तक देश के सामने आ ही नहीं पाई। देखिए एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर बेटी की हत्या हो गई है, अगर नौकर गायब है, तो अभी सबसे पहले अगर उसका वेयर अबाउट्स पता नहीं है तो उसी पर शक जाएगा, इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि आप उसको ढूंढिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जब इन्होंने नौकर्स को पकड़ा और उनका ब्रेन मैपिंग, लाइट डिटेक्टिव टेस्ट और ये सब किया था, नार्को किया था, तो उन्होंने उसमें ये एडमिट किया कि किन सरकमस्टेंसेस में उन लोगों ने ये क्राइम कमिट किया है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, ठीक है, कि उन लोगों ने किस तरीके से ये हत्या की है। सीबीआई को ये सारी जानकारी होने के बाद भी ठीक है कि लैंग डिटेक्टिव टेस्ट जो है एडमिसिबल नहीं है एविडेंस एक्ट में, बट उनको एक लीड मिली थी, उस लीड पर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। उन्होंने ये एडमिट किया कि वो लोग हेमराज के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और एक नेपाली चैनल को देख रहे थे, उस नेपाली चैनल में कौन कौन से गीत उस समय चल रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, उन्होंने उनका नाम भी लिया। इस बात को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने उस नेपाली चैनल की जो डायरेक्टर थी नल्ली सिंह, सीबीआई ने उनसे जाके संपर्क किया, नल्ली सिंह से वो रिकॉर्ड निकलवाया, एग्जैक्टली वही ट्रैक रिकॉर्ड निकला जिसमें वही गाने बताए थे उस रात प्ले किए गए थे जो नौकर्स ने बताए थे। तो ये एक चीज जो है दूसरे को कॉरोबरेट करती है अगर सही तरीके से। तो कोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना? कोर्ट ने इसलिए नहीं माना, हमने कोर्ट में अर्जी लगाई कि नल्ली सिंह को एज ए विटनेस, सीबीआई ने नल्ली सिंह को विटनेस नहीं बनाया, बट एज ए डिफेंस लॉयर हम लोगों ने कोर्ट में अर्जी दी कि नल्ली सिंह को कोर्ट में समन किया जाए, पर कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर आप हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं गए थे क्योंकि हमारे क्रॉस एग्जामिन करने की बात तो कर रहे थे कुछ वकीलों को, कुछ कर रहे थे, लेकिन उतना हमें टाइम नहीं दिया गया कि हम हाई कोर्ट जा सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन अगर सीबीआई ने कॉरोबरेट किया था, अगर नौकरों की बात को उन्होंने रिलाई अपॉन किया और इस बात से कॉरोबरेट हो गया नल्ली सिंह के उससे कि हाँ उस समय ये सारी चीजें हुई थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, अगर करते तो एक्चुअल कल्प्रिट्स आज पकड़े जाते। अच्छा ये बात सच है क्या कि कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आप जो है वक्त जाया कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा लंबित हो जाए ये मामला? डेफिनेटली कभी केस किसी और जज के हाथ में आ जाए नहीं, कभी हमने कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं लगाई ना, अभी कभी हमने किसी भी जज के, एक ही जज के सामने ट्रायल हुआ था, कोई एलिगेशन लगाया। लेकिन जो हमारे राइट्स थे, अगर हमने कोई एप्लीकेशन मूव की है, अगर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो उसके अगेंस्ट हमारे राइट्स बनते हैं कि हायर कोर्ट में जाएं। तो डेफिनेटली हम लोग हायर कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने उसका काउंटर व्यू लिया कि आप डिले कर रहे हैं। हमने कभी नोइंगली कोई और डेलिबरेटली कोई डिले नहीं किया, जबकि इस केस में हरीली जजमेंट किया गया। जिन जज साहब ने जजमेंट किया उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी थी उसको कर्टेल करके 7 विटनेसेस रहने दिए, ठीक है, और साथ में भी नल्ली सिंह का जो क्रूशियल विटनेस इसमें हो सकती थी उसका नाम काट दिया गया। और 30 तारीख को जजमेंट जज साहब रिटायर हो रहे थे और 26 तारीख को जो है इसमें सजा करके उन्होंने कर दिया। ठीक है मोनिका, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि आपने रिबेका जॉन को सुना, केटीएस तुलसी को इससे कुछ देर पहले आप सुन रही थी, और मनोज सिसोदिया जो कि लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे तलवार दंपति को, उनको भी आपने सुना है। मेरा सवाल कुल मिलाकर, और फिर डोगरा साहब मैं आपके पास आऊंगी, मेरा सवाल कुल मिलाकर एक ही जगह पर, मेरी सुई अटक गई है, जो 9 साल पहले सुई अटकी थी वो आज भी अटकी हुई है, हम कभी पता लगा पाएंगे? मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई है इन्वेस्टिगेशन में,
जो वहां पर टैंपरिंग हुई थी सीन ऑफ क्राइम के साथ, उसके बावजूद अगर जो अरुण कुमार की टीम थी, सीबीआई की पहली टीम थी उनके नेतृत्व वाली, जिसने जो नीडल ऑफ सस्पिशन था वो इंडिकेट किया था कि जो उनका कंपाउंडर है राजेश तलवार का कृष्णा, और जो बाकी दो नेबर्स के सर्वेंट्स हैं, उन लोगों का ब्रेन मैपिंग किया गया, नार्को किया गया, पॉलीग्राफ किया गया और कुछ लीड्स मिली है, मुझे लगता है उस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एसएल वाया जिसने नार्को टेस्ट किया, नहीं तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन मोनिका जी कौन करेगा बताइए, लेकिन उसने बाकियों को कुल मिलाकर तो वही रिसोर्सेस, कुल मिलाकर वही लोग, अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं, मुझे लगता है हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी शायद कहा है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नहीं मोनिका जी, मेरा मेरा सवाल वो है ना, एंगल पर कि आपने पुलिस से जांच करवा कर देख ली, कुछ हाथ नहीं लगा, आप तो ये भी पता नहीं कर पाए कि साहब हुआ क्या था वहां पर, मोटिव क्या है ये पता नहीं लगा पाए, वो खूनी पंजा किसका था वो अब तक आप पता नहीं लगा पाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर हम किसी भी तरीके से अभी तैयार हैं क्या, एक देश होने के नाते वो हमारी तैयारी है, इतना बड़ा केस जिसके ऊपर रात भर दिन भर निगाहें चलती रहती थी, खबरें चलती रहती, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए, बाकी केसेस तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है सबक लेना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी इसे, और पुलिस को भी और सीबीआई को भी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि पहले के दो दिन कितने क्रूशियल होते हैं, और उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड करना चाहिए। एक ऐसा केस है जो बैड इन्वेस्टिगेशन के कारण से यहां ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। इसमें शुरू से ही दो लाइन्स चल रही थी, लाइन ऑफ एक्शन, एक टीम आती है वो कहती है तलवार दंपत्ति गिल्टी हो सकते हैं, तभी उसको चेंज कर दिया जाता है, दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं ये डोमेस्टिक सर्विस गिल्टी हो सकते हैं, फिर वो चेंज हो जाती है, फिर तीसरी आती है। आप देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से इन्वॉल्व होंगे, वो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बहुत कहते हैं गंभीर सवाल और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन अभी आपने मोनिका रेज कर लिया है। डोगरा साहब, आज की तारीख में और इस डिबेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी बात हो जाती है, जिसे कहते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही होता है। सर, वो कौन सी फाइंडिंग्स हैं जिससे हम कभी ये पता लगा पाएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, या अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी केस में कोई देर तो नहीं होती, कभी भी उसका चांस की बात है, कभी भी वो केस सॉल्व हो सकता है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पुलिस को और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको एक ट्रेनिंग की जरूर है, कि वो उनको एक फॉरेंसिक की भी ट्रेनिंग दी जाए, दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए, और मैं तो कहूँगा अगर एथिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, और ये एथिकल ट्रेनिंग मीडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस केस को मैं कहूँगा कि इस तरह से उलझाने में सबका रोल है, तो खाली मैं कहूँ कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, उसमें मीडिया का भी रोल है, इसमें जनरल पब्लिक का भी रोल है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनका भी है, सब ने मिलकर के सारा कुछ मुझे लगता है कि जैसे हुआ है। डोगरा साहब, मीडिया तो सिर्फ वही बताता रहा जो तथ्य उनके पास आते रहे, जो बयान आते रहे वो हम सब दिखाते रहे। तथ्य तो है, पर देखिए ऐसा ना, मीडिया तर्क वितर्क और कुतर्क इन सब पे सर्वाइव करता है, तो वो तर्क वितर्क और कुतर्क की जो बात चलती रहती है उससे पब्लिक का भी दिमाग काफ़ी मतलब, और फाइनली ये जाकर के आई थिंक जो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन लगती है कि काफ़ी चीज़ों पर असर डालती है वो, उसको दिशा देने में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को या किसी भी चीज़ को दिशा देने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें सबका रोल है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली उसका ही, सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उतनी जिम्मेदार हैं जितनी मीडिया जिम्मेदार है, लोग भी उतने जिम्मेदार हैं, तो सारा कुछ है, तो ये सब बहुत बड़ा काम है। लेकिन डोगरा जी, मैं अभी भी इस बात से इसलिए अग्री नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वाकई क्या मीडिया जो है, मोनिका जी प्लीज आप इसमें देखिए, मीडिया को मेरी बात सुने मोनिका जी, देखो बेटा आप इसको वैसे मत लीजिएगा, एक मेरा भाई मीडिया में बैठा है, एक दूसरा भाई मेरा कोर्ट में बैठा है, तीसरा भाई मेरा एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, चौथा भाई मेरा पुलिस में, हम सब एक जैसे लोग हैं सभी,
तो सारी हमारी समस्याएं जो है वो सब एक कॉमन है, हमारे सोच के तरीके के जो है वो सब एक कॉमन है, और वो जब तक वो थोड़े ठीक नहीं होंगे तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं देखता हूँ रोज लोग अपना टीवी ठीक है डोगरा साहब, मैं सच में इसमें मुझे एक वकील की जरूरत है और मोनिका जी वो वकील है मेरी। मोनिका जी बताइए, क्या वाकई मीडिया जो है क्या किसी पर ये दबाव डाल सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कहां किस एंगल से किस आधार पर डील करते हुए आगे बढ़िए? देखिए डोगरा जी हमारे बड़े हैं, सम्मानीय हैं, उनकी बातों का सम्मान करते हुए मैं आगे कहना चाहूंगी कि मीडिया तथ्य बताता है, उस पर कानून क्या है, लोगों की राय क्या है, पक्ष क्या है, वो पक्ष विपक्ष क्या है, वो पूरी बात बताता है। और अगर मीडिया नहीं होता तो शायद बहुत से ऐसे केसेस जेसिका से लेकर आरुषि तक फाइलों में ही बंद होकर रह जाते, उनको आवाज नहीं मिल पाती। शायद मीडिया के कारण से ऐसे बहुत से केसेस को और हेल्पलेस लोगों को आवाज मिली है। ठीक है, अब डोगरा जी मैं फाइंडिंग्स पर आ रही हूँ सर। मुझे आरुषि के बारे में सच में जानना है, और देश इस वक्त वही सवाल पूछ रहा है जो आपके, मेरे, मोनिका जी के और मनोज जी के जहन में चल रहा है। सर वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स जो आज से 9 साल पहले आपने की थी, आप आज दर्शकों को बता सकते हैं, जिसमें ये क्लियर था कि माँ बाप तो नहीं है, कोई और हो सकता है, वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स थी? अभी मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, काफ़ी पुराना केस हो गया, उसको कितने केस किए होंगे, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि उस वक्त हमें कोई इस तरह के इंडिकेशन नहीं मिल रहे थे, कोई ऐसी साक्ष्य या एविडेंस या कोई ऐसी डायरेक्शन कि जो पेरेंट्स की तरफ जाती हो, और ऐसे साक्ष्य काफ़ी थे जो ये बता रहे थे कि भाई बाहर से किसी व्यक्ति का आगमन हुआ है और ये किसी बाहर वाले का काम होगा, ये था, ये सब उनको बता भी देते, ये हम लोगों का ओपिनियन था, मैं ये नहीं कहता यही सच है, तो ये हम लोगों का उस वक्त ओपिनियन था जो टीम अरुण कुमार सिंह के साथ में काम कर रही थी, तो उसका उस वक्त ये ओपिनियन इस तरह का हम लोगों का, लेकिन फिर अचानक बदल गया। पोस्टमार्टम जिसने की थी उसने ये कहा कि नहीं मुझे तो दिखाई खुकरी गई थी तो मैं क्या कर सकता था, मुझे ये पता ही नहीं था कि सर्जिकल वेपन वगैरह। डॉक्टर्स भी इनकी टीम के मेंबर्स थे। देखो, मैं उन्होंने एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी, दैट मर्डर वीपन वाज खुकरी, दैट वाज एडमिटेड बाय ऑल द मेंबर्स। और सर फिर नो एब्नॉर्मलिटी डिटेक्टेड एनएडी करके भी आपकी रिपोर्ट में था, बाद में पता चला कि नहीं नहीं मेरी ऑब्जेक्शन वाली जो फाइंडिंग थी उसमें ये चीज निकल कर आई थी कि ऐसा नहीं है, कुछ छेड़छाड़ तो हुई है, या आप ही के दोनों डॉक्टर में से एक ने ये बात कही थी? जो आरुषि का जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनकी फाइंडिंग्स बाद में कुछ और निकल कर आई थी। वो मेरे साथ नहीं थे। देखिए वो दोहरे से संबंधित नहीं था क्योंकि दोहरे अलग थे, तो उन्होंने पहला उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, हम लोग तो दूसरी टीम में थे, जो फॉरेंसिक टीम हमारी थी वो थी, जब तक हम उसमें आए तब पोस्टमार्टम हो चुका था, तो खैर मैं उन बातों में भी नहीं जा सकता, टेक्निकल बातें वो सब जो है उसके ऊपर मेरा बात करना ठीक भी नहीं होगा ऐसे मीडिया के सामने पब्लिकली, तो वो सब टेक्निकल बातें हम तक छोड़ दीजिए, हमें उनका निर्णय लेने दीजिएगा। नहीं सर वो इसलिए नहीं छोड़नी होगी डोगरा साहब, इसलिए नहीं क्योंकि आज भी बड़ा सवाल पर्टिनेंट, आप करिए, अब क्या करना चाहिए, जाइए आप तो ठीक है, उसमें डालना चाहते हैं आप डोगरा जी, आया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई थी, दूसरा ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदल दिया गया था, किसने बदले, फिर जो फोटोज लिए गए थे वो अलग अलग डेट्स के लिए गए थे, किसने कहा तो ये, उसके बाद किसने कहा जो कृष्णा को इम्प्लिकेट किया गया था वो कहते हैं टाइपिंग एरर था, वो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ध्यान में आई कार्यक्रम को, उसके बाद जो साउंड टेस्ट था आप अपने कार्यक्रम को जस्ट बनाने के लिए तर्क सब यूज करेंगे। नहीं नहीं सर ये एंकर नहीं है, आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं मुझे बताइए ना, ये मोनिका अरोड़ा है जो वकील है डोगरा साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या मेरे द्वारा क्या सिद्ध करना, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मेरा काम लिमिटेड है उसमें, नहीं नहीं आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं मेरे से, आपसे ये सवाल तो इसलिए आप मुझे क्यों, तो मैं कह रहा हूँ मेरा काम था मैंने कर दिया उसको, उन्होंने मानना ना माना उनकी बकायदा सवाल खड़े हुए थे लेकिन अभी तक उनके जवाब नहीं मिल पाए, कुल मिलाकर बात अलग अलग एजेंसीज पर आकर ही रुक जाती है कि इतनी शॉडी
वही इन्वेस्टिगेशन जो थी वो बड़ी धूमिल करने वाली थी। तो मैं आपको पहले से आपको ये कह रहा हूँ, फोरेंसिक की भी टीम्स चेंज हुई, कभी किसी कंक्लूसिव एविडेंस पर पहुंच ही नहीं पाई। पर मोनिका जी, हाँ, तो उसके लिए डोगरा साहब, सोचिए 9.5 साल हो गए हैं इसी डिबेट को करते हुए, आपको लगता है कि कुछ 40 मिनट में डिबेट समाप्त हो जाएगी और जवाब मिल जाएंगे कि आरुषि का और हेमराज का कातिल कौन है? लेकिन इस सवाल का जवाब लिए बगैर हम इसको ठंडे बस्ते में डाल दें, ये हो नहीं सकता है। लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करती है वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये पता लगाने की कोशिश भी होगी कि आरुषि का कातिल कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।